तो बाबा जगानंद, क्या आपने? नहीं, हमने नहीं मारा उस फिरंगी को। उस रात 2 से 2:30 के बीच जगानंद महाराज शमशान भूमि पर नहीं थे। चंडी, चंडी! तेरे इस झूठ से धरती फटे ना फटे, अंबर फटेगा बिजली से। अंबर फटा, बिजली चमकी और चंडी मर गया। न्यायाधीश महोदय, इस मुकदमे की शुरुआत एक खून के साथ हुई थी, परंतु अब इसकी संख्या 2 हो गई है। आज से 2 रोज पहले ही महाराज जगानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि उनके शिष्य चंडीदास की मृत्यु बिजली गिरने से हो जाएगी, और एक दिन के बाद वैसा ही हुआ। उनकी मृत्यु बिजली लगने से हुई, भविष्यवाणी सच निकली। तो इसे हम क्या समझे न्यायाधीश महोदय? योर ऑनर, समझ तो मैं नहीं पा रहा कि पंत साहब की बात का तात्पर्य क्या है। क्या कहना चाहते हैं पंत साहब की चंडीदास की मृत्यु बाबा जगानंद जी के श्राप देने के कारण हुई है? आई होप आपका इशारा ये नहीं है मिस्टर पंत। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ न्यायाधीश महोदय, बल्कि मैं तो उसका उल्टा कह रहा हूं कि ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें मात्र स्वामी जगानंद ही इन्वॉल्व नहीं है, उसमें इनका कोई साथी सहयोगी भी है, पार्टनर इन क्राइम, जो इनके आदेश का पालन करते हैं। नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, चंडीदास का मौत बिजली के झटके से ही हुआ है साहब। हम उस शमशान के रखवाले हैं, बिजली का कनेक्शन सिर्फ हमारी चौपड़िया में है साहब, बाकी दूर दूर तक न कोई कनेक्शन है, न कोई खंभा है, न कोई तार है। और मैंने चंडीदास को वहां जाते हुए देखा साहब, और ठीक उसके सुबह उनका मृत शरीर शमशान के बीचों बीच पाया गया। बिजली का झटका आखिर लगा कहां से, सिवाय आकाश के? जगानंद बाबा के मुंह से निकला हुआ हर शब्द, हर श्राप सच साबित होकर रहता है साहब। मुझे एक बात बताओ, तुम क्या तुमने आसमान से बिजली गिरते हुए देखी? नहीं साहब, लेकिन तो फिर न्यायाधीश महोदय, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह जरूर लिखा हुआ है कि चंडीदास की मृत्यु बिजली का झटका लगने से हुई, परंतु उस करंट का वोल्टेज कितना था यह सिद्ध करना तकरीबन असंभव है। न्यायाधीश महोदय, यह साबित करना बड़ा मुश्किल है कि यह इंसानी बिजली थी या आसमानी। योर ऑनर, मैं पंत साहब की बात से सहमत हूं। मुझे भी ऐसा लगता है कि चंडीदास की मृत्यु किसी मनुष्य ने की है, उसे किसी यंत्र द्वारा बिजली देकर। मिस्टर केडी सच बात कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है न्यायाधीश महोदय। डिफेंस सर, प्रोसिक्यूशन एक ही बात से सहमत है? नॉट एट ऑल योर ऑनर, मेरा ये कहना नहीं, क्योंकि पंत साहब ये मानते हैं कि चंडीदास को बाबा जगानंद जी के किसी सहयोगी ने मारा है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि चंडीदास की मृत्यु उस व्यक्ति ने की है जिसने पहले बाबा जगानंद जी की बात सुनी और ठीक उसी तरह चंडीदास को मारा, ताकि बाबा जगानंद और कठिनाई में फंस जाए। महाराज जी, आप जगानंद जी के गुरु हैं। जी, गर्व है मुझे इस बात पर। अवश्य होगा महाराज जी। एक बात बताएं, उस रात जब चंडीदास की हत्या हुई, जब मृत्यु हुई उनकी, उस समय शमशान में आप और घोरियों का गुट वहां उपस्थित था, कोई विचित्र बात देखी आप लोगों ने, सुना कुछ? विचित्र विचित्र तो मैं यहां देख रहा हूं कि किस तरह से तुम सब एक सत्य से पीठ घुमाए खड़े हो। जगानंद मेरा सबसे उज्जवल शिष्य है और मां शमशान तारा का दुलारा। वो जो कहता है, जो चाहता है, जो चाहता है, मां शमशान तारा शमशान की मां शमशान की मां देती है।
जब उसने उस पाखंडी चंडी दास की बलि चाही, माने उसकी इच्छा पूर्ण की। स्वाहा! आप लोग जाखर और मृग महाराज के कहने के बाद भी अघोर शक्ति से मुकर रहे हो? अगर जगानंद महाराज चाहें तो धरती चीर के अमृत निकाल दें। माँ का उपकार है इनके ऊपर। एक बार मेरे सामने तो इन्होंने मांस के टुकड़ों को मिठाई बना दिया था। हर हर महादेव। 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 क्या हो रहा है ये सब? न्यायाधीश महोदय, क्या हो रहा है ये? ये कोई इनकी महासभा नहीं है जहां पर ये लोग प्रवचन करेंगे और हम इनके प्रवचन सुनेंगे? मुझे तो लगता है कि अपनी सामूहिक शक्ति दिखाने के लिए ये समाज पर आतंक फैलाकर डर पैदा करना चाह रहे हैं। जबकि असलियत यह है कि ये सब कुछ इनका सरदार मृग करवा रहा है, उसी ने कराए हैं ये घिनौने कत्ल। चुप हो जा नास्तिक! तेरा ये दुस्साहस कि तू मेरे गुरु पर उंगली उठाए, जिसकी वजह से मैंने संसार छोड़ा, मैं अघोरी बना, जो मेरे अस्तित्व का कारण है, तू उन पर लांछन लगाता है। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए जगानंद जी। अरे शांत तो ये होगा सदा के लिए। पंत, दिल की बीमारी है ना तुझे? अब देख तू, देख तू, देख तेरे इस घोर अपमान के लिए कैसे तेरे दिल की कैसे रहते चली जाती है, चली जाती है। तू मरेगा, तू मरेगा, मरेगा तू, मरेगा तू। तू यही जानने आया है ना कि मैंने अदालत में सरकारी वकील को जो धमकी दी वो सच होगा या नहीं? उसे दिल का दौरा पड़ेगा या नहीं? है ना? संयोग एक बार होता है बाबा, दो बार नहीं। और जो दो बार है उसे क्या कहोगे? षड्यंत्र या षड्तंत्र? वैसे केडी, तुमने मुझे एक बात बताई नहीं। तुम्हें क्या लगता है, चंडीदास को मैंने मारा है? नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे। पता नहीं तुम्हारे इस उत्तर से मुझे प्रसन्न होना चाहिए या उदास। प्रसन्न इसलिए कि तुम्हें मेरी बेगुनाही पर भरोसा है, और उदास इसलिए कि तुम्हें मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं है। बाबा, मैं आपकी शक्तियों पर भरोसा कर लूं तो उससे इस केस का परिणाम नहीं निकल आएगा। लेकिन इसी भरोसे पर तो तुम केस का परिणाम निकालते आए हो केडी। देखते हैं तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है। इस कपाल का पानी पीकर दिखा। पियो, मेरे कपाल के बर्तन से पानी पियो। क्या हुआ? हाँ, एक अघोरी के जूते को पीने से डर गए? हाँ। के
सीडी पाठक को डर मनुष्य के झूठ से लगता है, झूठ से लगता है, झूठ से नहीं। उसे उसके पापों की सजा यही मिल रही है, उसका तो यही अंजाम होना था। अब बस जल्द से जल्द उसे जगानंद महाराज स्वामी जी को फांसी की सजा मिल जाए और हमें वो मिल जाए जो हमें चाहिए, फिर शांति ही शांति। बस आप चिंता मत कीजिए, हम कल परसों तक वापस लौट आएंगे। जी रखते हैं, जय सियाराम। अरे सुनिए वो बहन जी, सुनिए अपना पैसा तो देते जाइए। अरे सुनिए तुझे, सॉरी। आ गए आप? ये क्या, अदरक लाना फिर भूल गए? आप भी ना कुछ भूलते ही रहते। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे पता नहीं कौन सी धुनकी में रहता हूं मैं। बाजार में सड़क क्रॉस कर रहा था तो जीप के नीचे आते आते बचे, तब से बड़ा जी घबरा रहा है। जरा पानी ले। आप भी ना उस अघोरी की बात को लेकर पूरी रात सोए नहीं, ये सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, उससे कैसे पता चला कि मुझे दिल की बीमारी है और मुझे दो बार दौरे पड़ चुके हैं? अरे केस के वक्त आपको गोली खाते हुए देख लिया होगा, बड़े दिमाग वाले होते हैं ऐसे लोग। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पन, पन, दिल की बीमारी है ना तुझे? अब देख तू, देख तू, देख तेरे इस घोर अपमान के लिए कैसे तेरे दिल की धड़कन तेरे से लूट कर चली जाती है। तू मरेगा, तू मरेगा, मरेगा तू। किसी टेलर की रसीद है, लगता है दुलारी देवी किसी आसपास के गांव में ही रहती है। कौन हो सकती है सर, और जगानंद की मौत क्यों चाहेगी? आई डोंट नो वरुण, बट आई विल फाइंड आउट। प्रेम कुमार मिश्र। जी जी बोल रहा हूं, कैसे? ठीक है। क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? प्रोसिक्यूटर पंत की मृत्यु हो गई। ओह नो, कैसे? हार्ट अटैक, दिल का दौरा। अघोरी की बात तो सच निकली यार। पाठक साहब, केटी साहब, हेलो, माई सेल्फ गोकुल पांडे सर, पंत साहब की जगह मुझे नियुक्त किया गया है इस केस पे। अच्छी अच्छी, वेलकम टू द केस। कैसे हैं आप? बहुत बुरे हाल हैं सर। अब आपके मोकिल के श्राप के बाद पंत साहब परलोक से हार गए, तो
इस केस पे कोई हाथ डालने को तैयार ही नहीं था। अब इन बाबाओं के श्राप सच्चे होते हैं झूठे ये तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी और मौत तो बहुत बड़ी सच्चाई है ना सर। देखो नहीं माने पंत साहब तो निकल लिए ना। क्यों भाई, ये केस लिया क्यों फिर आपने? मेरे ऊपर तो ऊपर से बहुत दबाव आया था, वरना मैं पागल हूँ इस केस को लड़ता। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। बोलिए ना। अपने मुवक्किल को थोड़ा ना कंट्रोल में रखिएगा, वो शराब मतलब मुझे शराब ना दे दे कहीं। देखिए मैं आई विल बी वेरी वेल बिहेव्ड, आई मीन मैं आपको ज्यादा चैलेंज भी नहीं करूंगा सर। अरे पांडे साहब निश्चिंत होकर अपना कार्यक्रम कीजिए, एक दिन तो हम सभी को ऊपर जाना है, सूनर और लेटर, है ना? घंटी बज गई। जय सीताराम। ऑल द बेस्ट टू सर। भैया पहले आप। नहीं आप। थैंक यू। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जी सर शुरू करें बाबा जी। सर मिस्टर पंत और पाठक जी अब तक जिसे इंसानी हत्याकांड समझ रहे हैं वो दोनों इंसानी हत्याकांड नहीं हो सकते सर, क्योंकि चंडीदास मरा आकाश से बिजली गिरने से और पंत साहब पूरे हुए दिल का दौरा पड़ने से। ये दोनों काम इंसानी काम कैसे हो सकते हैं? कोई इंसान कैसे आकाश से बिजली गिरा सकता है, कैसे कोई किसी का दिल को रोक सकता है? यानी तुम्हारा ये कहना है कि ये अलौकिक घटनाएं हैं? और नहीं तो क्या सर। पंडे जी कृपया कर अदालत को बताएं कि आप यहां किसके विरुद्ध अभियोग चला रहे हैं। अरे पाठक जी मैं कौन होता हूं किसी के विरुद्ध अभियोग चलाने का या किसी को सजा या माफी दिलवाने का। मुझे तो इस केस में एज ए प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है, तो मैं अपनी सिर्फ दलील रखूंगा। और साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि मिलॉर्ड कुछ चीजें इंसान और कानून से परे भी होती है कि नहीं? मिस्टर पांडे अदालत शराब और चमत्कारों को नहीं मानती, और मैं दोनों वकीलों को ये बता दूं ये केस चंडीदास और प्रोसिक्यूटर के मौत के लिए नहीं है, ये केस टीवन मार्स की हत्या को लेकर है जिसे किसी चमत्कार या शराब से नहीं इंसानी तरीके से तकिए से सांस रोक कर मारा गया। इसलिए मेरे लिए ये कोई खास या अलौकिक केस नहीं है, ये एक आम मर्डर केस है। अपनी आगे की दलीलें इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पेश की जाएं। धन्यवाद यार इस पैरवी को सही दिशा दिखाने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, स्टीवन मार्क्स का हत्याकांड एक चमत्कारी या अलौकिक घटना नहीं था। ठीक उसी प्रकार यार ऑनर जिस प्रकार चंडीदास और प्रोसिक्यूटर पंत की मृत्यु कोई अलौकिक घटना नहीं, स्ट्रेट मर्डर केस है। और मुझे पूरा संदेह है यार ऑनर कि ये तीनों हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की है। तो क्या आपका मतलब यह है कि पंत साहब की जो मौत हुई वो भी किसी इंसान के द्वारा हुई? मतलब किसी इंसान ने उनके शरीर में ऐसे हाथ डाला और यूं दिल को रोक दिया? नहीं 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 पंडित जी ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूं। योर ऑनर प्रोसिक्यूटर पंत हर शनिवार को गोल बाजार जाते थे सब्जियां खरीदने। सब्जियां खरीदने के बाद वहां चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीते थे, अखबार पढ़ते थे, देश की राजनीतिक स्थिति पर वाद अनुवाद करने के बाद घर लौटते थे। केवल 20 वर्षों से उनका यही नित्य कर्म था। तो ये कि उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार योर ऑनर ये स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई। इस सूची में एक छोटी सी जानकारी भी है योर ऑनर, वो ये कि उनकी अंतड़ियों की जांच से पाया गया कि आखिरी पदार्थ जो उनके पेट में गया था उसी दुकान की चाय है। विचित्र बात है योर ऑनर, उस दिन प्रोसिक्यूटर पंत की चाय में भृंग कायम मिलाया गया। जबकि उनका दिल पहले से ही कमजोर था,
उसके बाद तेज रफ्तार से गुजरती हुई जीप द्वारा उन्हें सदमा पहुंचाया गया और उनके दिल की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वो दिल के दौरे की कगार पर आकर खड़े हो गए। बाकी बची कसर जगानंद जी के की कही हुई बात, इनके क्या कहते हैं श्राप जो इन्होंने दिया था, उसने वो कसर पूरी कर दी। कुल मिला के प्रोसिक्यूटर पंत डाइड ऑफ इंड्यूस्ड हार्ट अटैक, प्रेरित दिल का दौरा। यार और मुझे पूरा विश्वास है यार कि चंडीदास की मृत्यु आकाश से बिजली गिरने के कारण नहीं बल्कि किसी मनुष्य के किसी यंत्र द्वारा बिजली देने के कारण हुई है। ये क्या कह रहे हैं पाठक साहब, मतलब असल में कोई इंसान होना तो चाहिए, तो आपके हिसाब से फिर किसने किया है? बताता हूं। सबसे पहले योर ऑनर, गुंडेरा गांव की दुलारी देवी को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है? दुलारी देवी जी, कौन कौन है आपके परिवार में? जी दो बच्चे हैं, हमारी माँ है और बस मैं। पतिदेव? वो तो कब का मर चुका। वैसे मर चुके हैं, किंतु आपके मांग में तो अब भी सिंदूर लगा हुआ है। मेरा पति मेरे लिए मर चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी आपके लिए मर चुके हैं लेकिन वास्तविकता में जीवित है। उससे क्या पूछते हो? मैं बताता हूं, इसका पति जिंदा है, मैं हूं इसका पति। इस जानकारी के लिए धन्यवाद श्री प्रेम कुमार मिश्रा। प्रेम कुमार मिश्रा मैं था जब ये मेरी धर्मपत्नी थी। 16 साल पहले मैंने गृहस्थाश्रम का जीवन त्याग दिया, अब मुझे इससे और इसके संसार से कोई लेना देना नहीं। दुलारी देवी जी, आपके पति या पूर्व पति प्रेम कुमार मिश्र और अब बाबा जगानंद जी का ये कथन है कि 16 वर्ष हो गए इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपके साथ संबंध तोड़ दिया और आप आज भी इनके पीछे लगी हुई हैं। किस आशा से, क्या कोई संभावना है इनके आपके जीवन में वापस लौटने की? वो उम्मीद तो हमने 10 साल पहले ही छोड़ दी थी, जब ये अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए थे। तभी तो कहती हूँ मर चुके ये हमारे लिए। दुलारी देवी मैम, समझा नहीं पर अगर आपने ये मान लिया है कि आपके पति आपके लिए मर चुके हैं, तो 16 साल बाद भी आप यहाँ इस अदालत में क्यों? कारण क्या है इसका, बोलिए ना, कारण क्या है इसका? कागजात पर दस्तखत करवाने, ताकि घर और जमीन हमारी हो सके। ताकि घर और जमीन आपकी हो सके, तो इस समय घर और जमीन किसके नाम पर है? मेरे भाइयों के नाम है, मेरा मतलब जो मेरे भाई थे, लेकिन मैंने कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। अब ये कागज पत्तर हस्ताक्षर सही, इस सब से क्या मतलब है मेरा? मैं इस मोह माया के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। अब इनकी मर्जी है, जो चाहे करे। कैसे करे, जब तक तुम जिंदा हो कानून मुझे कोई हक नहीं देता। वहां तुम्हारे भाई जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं, अरे मेरा ना सही, अपने बच्चों का तो सोचो। साधक की कोई संतान नहीं होती। तो फिर क्यों पैदा की संतान, क्यों की शादी? हमारा जीवन बर्बाद करने से पहले क्यों नहीं बने साधक? प्लीज शांति। प्लॉट, ये क्या हो रहा है? ये एक क्रिमिनल कोर्ट है जहां हम लोग मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पांडे जी, दुलारी देवी को यहाँ केवल इस कारण बुलाया गया है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके। वैसे भी इनका घरेलू मामला है, क्यों बाबा को क्रोध दिला रहे? तो दुलारी देवी जी, अगर
बाबा जगानंद जी को सजा हो जाती है फांसी की, तब तो ये घर ये जमीन कानूनन आप ही के नाम पे हो जाएगा ना? हो जाएगा या नहीं जी? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने इन्हें फंसाया। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अच्छा ये बताइए कि जब पंत साहब वहां बाजार में उस चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, आप भी वहां इर्द गिर्द मंडरा रही थी ना? आप थी ना वहां? आप थी या नहीं वहां? हाँ तो मैंने उनकी चाय में कुछ नहीं मिलाया। और जब मिस्टर स्टीवन मार्क्स की हत्या हुई थी, आप उस वक्त शमशान में भी थी वहां? आप थी ना? मैं वहां नहीं थी। सरासर झूठ बोल रही है सर, ये वहीं पे थी, मैंने खुद देखा था इसे पेड़ के पीछे छुपते हुए। और इतना ही नहीं सर, चंडी दास के मौत के समय भी छुपके हमारी बातें सुन रही थी। सर मुझे तो लगता है ना इसका कोई कनेक्शन। मुझे भी लगता है दिव्येंदु जी कि कुछ तो कनेक्शन है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, ये कि एक बार जरा मैं कंफर्म कर लूं प्रश्न, डिटेल यही कहीं होनी चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अमांडा जी और आप ये जो कार्य कर रहे हैं हरिद्वार में, तो किस प्रकार के वाहन का उपयोग कर रहे हैं आप दोनों? जीप थी, ब्लू जीप, नीले कलर की है। हाँ देखिए संयोग की बात है कि प्रोसिक्यूटर पंत पर जो हमला हुआ वो भी एक ब्लू जीप नीले कलर की जीप के द्वारा हुआ। श्योर के सहयोगी होगा। अब बैठिए प्लीज। अरे हाँ कांग्रेचुलेशंस फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। किसकी शादी सर? आपकी दिव्येंदु जी, आपकी और अमांडा जी। और जो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कहीं छिप छिपा के किसी मंदिर में की होगी। वो देखिए अमांडा जी अपना मंगलसूत्र छिपा रही है, किंतु आप अपना ये शादी की अंगूठी कहां छिपाएंगे आप? योर ऑनर, व्हाट अ नाइस रिंग। तो चक्कर उल्टा है दिव्येंदु जी, स्टीवन मार्क्स अमांडा को नहीं, अमांडा जी और आप मिलकर स्टीवन मार्क्स को धोखा दे रहे थे। एम आई राइट? यस, ये सच है। स्टीवन को ये शक था कि मेरा और दिव्येंदु का अफेयर, इसलिए उस रात उसने मेरा लॉकेट तोड़ा। और उसी रात आपने और दिव्येंदु ने मिलकर उसे व्हाट? नो नो नो, आई वुड नेवर किल हिम। दिव्येंदु, दुर्भाग्यवश अदालत है ये मोहतरमा जी, और यहाँ दिव्येंदु जी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बड़े दुख की बात है कि स्टीवन को मरे 10 दिन भी नहीं बीते और आप दोनों ने यहाँ अदालत में उसके विरुद्ध झूठ बोला, शादी भी कर ली। नॉट अ गुड साइन एट ऑल मिस अमांडा थॉमस, ऑप्स शुड आई से मिसेस अमांडा सक्सेना। I didn't kill Stephen. Who did? He did. Stephen के दर्द के एक दिन बाद ये मुझसे मिलने मेरे टेंट में आया था। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। मैडम जी, हमारे गुरुदेव आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सीक्रेट है। देखो
जो हो गया सो हो गया। जगानंद को उसकी गलती की सजा कानून देगा। लेकिन तुम हमें क्यों सजा दे रही हो? I don't understand. तुम्हारी वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री, उसका मुख्य शीर्षक जगानंद ही था ना, अब हमें बना लो। लेकिन अगर जगानंद जेल से फ्री हुए तो? उसकी तुम चिंता मत करो, वो असंभव है। आप सब बैठ जाइए। हाँ यह सत्य है, जगानंद के बदले हम पर वृत्तचित्र बनाने का प्रस्ताव हमने ही रखा था, लेकिन अब सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चंडीदास के बहकावे में आना हमारी कमजोरी थी, लेकिन इससे आप सिद्ध क्या करेंगे? मैं इससे ये सिद्ध करना चाहता हूं महाराज कि जगानंद पर नहीं अपने आप पर यह वृत्तचित्र बनाने के लिए आपने स्टीवन मार्क्स की हत्या की और उसके आरोप में आपने बाबा जगानंद को फंसाया। केडी पाठक, मेरे गुरु के विरुद्ध बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? माफी मांग, माफी मांग, वरना औरों की तरह मैं तुझे भी अभी यही खत्म कर दूंगा। जगानंद जी, आप तभी बोलेंगे जब मैं शांत हो जाइए, वरना गुरु जी कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। मैं स्वयं मानता हूँ कि मेरे गुरु मुझसे हजार गुना ज्ञानी हैं, और मुझसे ज्यादा ज्ञानी होने के नाते ये वृत्तचित्र उन्हीं पर बनना चाहिए था। हाँ, योग्य है आपके गुरुदेव, और इतने योग्य है कि पूरे हरिद्वार में ब्रिंग कायम जड़ी बूटी केवल इन्हीं के पास उपलब्ध है, और इसी जड़ी बूटी से योर ऑनर प्रोसिक्यूटर पंत की हत्या की गई है। इन्होंने की है ये हत्या। ये हम पर कत्ल का दूसरा आरोप लगा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अरे अघोरी को तो सात खून माफ है। केडी पाठक, हाँ, मेरे गुरु के विरुद्ध बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? माफी मांग, माफी मांग, वरना औरों की तरह मैं तुझे भी अभी यही खत्म कर दूंगा। अच्छा केडी साहब, केडी साहब रुको, सुनाइए, आप माफी मांग लीजिए। सुनाइए मौत का फरमान, मैं भी तो सुनूं कि कौन कैसे कब मारेगा मुझे। सुनाइए, अब पानी सर से ऊपर उठ गया केडी पाठक, तो सुन, तू इसी पानी में डूब कर मरेगा। आज की रात, आज की रात तू डूब कर मरेगा केडी पाठक। ये रास्ता तो नदी की तरफ जा रहा है। केडी साहब, केडी साहब, केडी साहब, क्या केडी पाठक नदी में डूब गया? मैं पूरी रात वहीं था, ना तो वो पानी से बाहर निकले और ना ही होटल लौटे, और पुलिस सुबह से उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ केडी सर का जैकेट मिला। जज साहब, ये तो जगन्नाथ जी का कहा एक और सच हो गया। सात में से चार इनके श्राप से। केडी साहब, ये श्राप नहीं है योर ऑनर, ये काम एक इंसान का है। सर, मुझे उस कमरे से एक अघोरी की परछाई दिखी, और जमीन पर वो बेहोश करने की दवा,
सर कोई केडी सर को बेहोश करके नदी में ढकेलना चाहता था ताकि जो कुछ भी जगानंद जी ने कहा है वो फिर से सच हो जाए। इस घटना को कोई और गवाह है? ये सारा कांड शमशान घाट के पास हुआ है, वहां मृग महाराज की टोली और रखवाला जाकर होंगे, शायद उन्हें कुछ पता हो। हम सब अपने डेरे पर थे, अचानक किसी के भागने की आवाज सुनी, लेकिन हमने किसी को भागते देखा नहीं। मेरे सारे साधक भी मेरे साथ ही थे। ये लड़का हमें बदनाम कर रहा है। केडी पाठक को नदी पर किसी आघोरी ने नहीं बल्कि खुद उसकी मौत उसे नदी पर खींच लाई थी। सब हम रात को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए थे और हमने बाहर किसी की भागने की आवाज सुनी। जाकर नदी के पार देखा तो हमें ऐसा लगा कि कोई आदमी पानी में डूब रहा है और वो अपने ऐसे हाथ हिला रहा था और कुछ देर बाद गायब। हम चाहे कभी कुछ नहीं कर पाए साहब, हमें ऐसा लग रहा है कि जरूर वो केडी पाठक ही होंगे। वो मैं नहीं था। केडी? मैं वहां कैसे डूब सकता हूं? संभव ही नहीं। योर ऑनर, वास्तविकता ये है कि वो एक बड़ा सा पत्थर था जो मैंने स्वयं पानी में डाला था कि लोगों को ये भ्रम हो कि मैं पानी में डूब रहा हूं। योर ऑनर, ये खेल था जो अब से नहीं शुरुआत से मैं क्षमा चाहता हूं, हम खेल रहे थे। मेरे इशारे पर बाबा जगानंद जी ने मुझे झूठ मूठ का जानबूझकर श्राप दिया ताकि हत्यारा इनका श्राप पूरा करने के लिए, मुझे मारने के लिए, मुझे डुबाने के लिए बाहर निकले और हम उसे धर लें। सुनाइए मौत का फरमान, मैं भी तो सुनूं कि कौन कैसे कब मारेगा मुझे। सुनाइए, तू इसी पानी में डूब कर मरेगा आज की रात। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, उसका पीछा हमने किया लेकिन हत्यारा मेरे हाथ में नहीं आया। हाँ, उसकी ये जो विग है, उसका चोगा, ये मेरे हाथ में आया। केडी साहब, किसे ढूंढ रहे थे? सब फिर पानी में वो पत्थर है, पत्थर और ये विग है। एक बात बता रहा, तूने कभी किसी अघोरी को विग पहनते हुए देखा? मैंने कभी देखा। जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि हत्यारा कोई अघोरी नहीं, एक साधारण सा मनुष्य है अघोरी के भेष में। जाखर साहब, आपने कहा था कि आपने जब वो हाथ हिलाते हुए पत्थर को डूबते हुए देखा, आप अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे, किंतु मैं जब उस हत्यारे का पीछा कर रहा था आपकी कुटिया के बाहर तो कोई उपस्थित नहीं था, ऐसा कैसे हो गया? ये मैं बताता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि आप उस समय मेरे आगे आगे दौड़ रहे थे और मैं आपके पीछे पीछे दौड़ रहा था आपका पीछा करते हुए, इसीलिए आप अपनी कुटिया के बाहर नहीं थे, मेरे आगे थे दौड़ते। कमाल करते हैं आप साहब, कुछ भी गलत सलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अरे जाखर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन हो सकता है? अगर आप नहीं तो ये चोगा होगा, कुछ आप ही होंगे। हो सकता है ये फिरंगी लड़की हो या ये दिव्यंदु। हाँ, हो सकता है, पर अब समस्या ये आती है कि मेरे होटल के फर्श पर जब वो हथियारा आया था तो शमशान की मिट्टी बिछा कर गया मेरे फर्श पर। शमशान की मिट्टी तो आप ही शमशान में रहते हैं, देखिए जाकर साहब। अब शमशान की मिट्टी तो कोई भी ला सकता है हुजूर। ये भी बात सही है, शमशान की मिट्टी तो कोई भी ला सकता है, लेकिन उस शमशान की मिट्टी पर जो नंगे पांव का निशान था, मुझे पूरा विश्वास है जाकर साहब कि अगर उस पांव के निशान को आपके पांव के साथ मिला दिया जाए तो एक समान निकलेगा। लेकिन मैं जूते पहने होता साहब, और जूता किसी का भी हो सकता है। जूता पहनकर आए थे मेरे? हाँ साहब। जूता पहनकर आए थे आप मेरे कमरे में वो विश की बॉटल रखने। अरे हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया,
मेरे सहायक वरुण ने जब उस विष के बॉटल की टेस्टिंग करवाई तो फोरेंसिक्स की जांच से ये पता चला है कि उस पर आप ही के उंगलियों के निशान हैं। डॉक्टर साहब पूरी तरह से फंस गए। अगर सत्य बोलते हैं तो हो सकता है कि न्यायाधीश महोदय रहम खाकर आपकी सजा थोड़ी है ना लटकाए नहीं आपको जीवित रखे। क्या करना चाहते हैं? सब मैंने ही की है वो हत्या। शमशान एक ऐसी जगह है साहब जहां अक्सर लोग रात को जाने से डरते हैं और खासकर वहां जहां अघोरियों का वास हो। मैंने इसी चीज का फायदा उठाया सर और वहां चरस का धंधा शुरू कर दिया। इसकी भनक उस अंग्रेज स्टीवन को लग गई और उसने मेरे झोपड़े में रखे हुए उस 20 किलो चरस को देख लिया साहब। और फिर मैंने ठाना कि अब किसी भी कीमत में इस अंग्रेज को मारना है। फिर मुझे काम आया बाबा जगानंद जी का दिया हुआ वो श्राप। मैंने उसी रात उनका वेश धारण किया है और तकिए से उस स्टीवन को मार डाला। और तकिए से अपने निशान को मिटा के गहरी नींद में सो रहे बाबा जगानंद जी की उंगलियों के निशान उस तकिए में लगा दिया साहब। जाकर साहब अब सत्य बोल ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि चंडीदास को बेचारे को क्यों मारा आपने? सब चंडीदास और मैं दोनों उस चरस के धंधे में बराबर के भागीदार थे। इसलिए उस दिन चंडीदास ने कोर्ट में बाबा के खिलाफ गलत बयान दिया और जैसे ही बाबा का श्राप उस पर पड़ा मैंने सोचा बस बराबर की भागीदारी खत्म। बाबा पर आरोप और गहराया और मैंने और उसकी मृत शरीर को शमशान के बीचों बीच लेकर फेंक दिया सर। बाकी प्रोसिक्यूटर पंत साहब का विवरण तो केडी साहब कर ही चुके हैं। और मेरे अंत का विवरण तो आप कर चुके हैं। अब आपके अंत का विवरण न्यायाधीश महोदय करेंगे। योर ऑनर द डिफेंस रेस्ट। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जाखर नारायण ने स्टीवन मार्क चंडीदास और प्रोसिक्यूटर विश्वनाथ पंत की हत्या की है, इसलिए उसे फौरन हिरासत में लेने का हुक्म दिया जाता है। स्टीवन मार्क के कत्ल से जगानंद जी को बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज्ड। खुश रहा बच्चा। केडी आज तूने एक साधक को सिद्ध कर दिया है। तेरे होते हुए शहरी हो या अघोरी सात खून तो क्या उसे एक खून भी माफ नहीं हो सकता। बच्चा बहुत श्राप दे लिए, अब आशीर्वाद देता हूं। जा जल्दी ही तेरा तेरे पिता से मिलन होगा, देखते रहना। जय हो बाबा भोलेनाथ की। जय भोले बाबा की। सुना ना आपने इन्होंने क्या कहा, बस देखते रहना।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.